अपने BGMI के अंदर न्यू सीजन आ चुका है C5S14। अगर इसके अंदर आपको कॉन्कर जाना हो तो जरूर से वीडियो को एंड तक देखना हो, जिससे आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आएगी। मेरे भाई लोग कैसे हो, एक और आ चुके खतरनाक डुओ रैंक पुश वीडियो के संग। उससे पहले गाइस के अंदर आपकी क्या रैंक चल रही है और आप लोग कौन से टीयर पे भी हो, वो भी यहाँ पे मेरे को जरूर से कमेंट करके बता देना। फाइनली आज अपन का रैंक पुश का डे वन, जहाँ पे प्लेटिनम टू कॉन्कर अपन की जो रेस है वो यहाँ पे चालू हो चुकी है। अब उससे पहले आप लोग कमेंट करके ये बताओ कि आप लोग डेली का कितना ज्यादा प्लस निकालते हो। अभी के लिए मुझे पता है काफी बंदे कौन से टीयर पे करेंगे प्लेटिनम गोल्ड, और यहाँ पे से रैंक पुश करना चालू कर दिया होगा। किसी में भी रैंक पुश करते हो वो फर्क नहीं पड़ता, किस तरीके से आप लोग रैंक पुश करते हो उस पे पूरा गेम आपका डिपेंड होता है। वीडियो उन बंदों के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो बंदे रैंक पुश के अंदर सरवाइव नहीं कर पाते, कि उसे इस वाली वीडियो के अंदर मैं ऐसी ऐसी जगह से सरवाइव करके निकलाऊंगा आप लोगों को यकीन भी ना होगा। पर अभी के लिए जस्ट मेरे आगे यहाँ पे एक टीम उतरी हुई होती है। अब एक बंदा तो कवर में चले जाता है, पर इसका जो सेकंड वाला बंदा होता है वो यहाँ पे मेरे ऊपर रश करने लगता है, तो थोड़ा सा फॉल बैक करता हूँ। अब जैसे इस बंदे को फिनिश करता हूँ, पर खतरा अभी तक टला नहीं था, क्यों से आपको पता है BGMI के अंदर अपन को एक भी रेटिंग कार्ड देखने को नहीं मिलता है। अगर यहाँ पे मैं फिनिश हूँ तो 30 से 40 का माइनस मेरा बहुत ही आराम से लग जाएगा। अब जैसे उस बंदे को ढूंढते मैं इस जगह पे आता हूँ, अभी मेरे को यहाँ पे एक बगी का साउंड आता है। अब ये जो बगी वाला बंदा होता है ये यहाँ पे अपने टीममेट को रिकॉर करने आता है। पहले मैं सोचता हूँ ग्रेनेड करूँ, पर जब तक मैं ग्रेनेड करता हूँ जब तक ये अपने टीममेट को रिकॉर कर देता है। जैसे ही वेयरहाउस के अंदर जाता हूँ तो ये बंदा मेरे ऊपर रश करने लगता है टीममेट्स का, तो भाई पीछे से मेरे को यहाँ पे ADS दी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं कवर में खेल रहा था, क्यों से मेरे पे वेस्ट हेलमेट नहीं होता है, पर तभी इसका सेकंड वाला बंदा मेरे ऊपर रश कर देता है। अब टीममेट्स कहता है भाई राइट हैंड साइड से जाए जब तक इस बंदे का ध्यान मेरे ऊपर होता है। अब यहाँ पे अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी देखा होगा तो मेरा और मेरे टीममेट का जो कोऑर्डिनेशन है बहुत ही अच्छा बैठता है। अगर आपके पास डुओ में रैंक पुश करने के लिए टीममेट नहीं है तो कमेंट सेक्शन में अपनी आईडी डाल सकते हो। अगर किसी बंदे को रैंक पुश करना हो तो वो जरूर से आपको मैसेज कर सकता है। पर यहाँ पे मेरे को अभी आगे साइड से बोटो का जो फायर है वो आने लगता है। अब यहाँ पे कुछ फ्री के किल्स उठाते हैं, पर अभी भी हम लोग काफी ज्यादा रिस्क में थे, क्यों से मेरे पे यहाँ पे HP नहीं होती है। पर लकीली इन बॉटों को फिनिश करने के बाद मेरे को यहाँ पे हीलिंग देखने को मिल जाती है। अब अभी तक आप लोग वीडियो देख रहे हो और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर देना। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, अपन को हीलिंग मिल जाती है प्रॉपर, हम लोग व्हीकल उठाते हैं और सीधा यहाँ से निकल जाते हैं रिकॉल लेने के लिए। हम लोग रिकॉल लेने के लिए जा रहे हैं, जब तक आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोग किस में रैंक पुश कर रहे हो, सोलो डुओ एंड स्क्वाड। अब अचानक से हमें पीछे से फायर देखने को मिलता है, तो थोड़ा सा हम लोग कवर में रुकते हैं और तभी हमें जो बंदे हैं वो स्पॉट हो जाते हैं। अब यहाँ से कुछ खास एंगल नहीं बन रहा था, हमें पता था हमें पास जाना होगा। टीममेट से कहता था भाई तू पैदल जा, मैं बग्गी से जाता हूँ, जिससे उन बंदों का जो ध्यान है वो मेरे ऊपर जाएगा और पीछे से तू एक बंदे को बहुत इजीली टेक डाउन कर देगा। पर यहाँ पे देखो कितना ज्यादा गलत सीन होता है हमारे साथ। टीममेट नॉकआउट हो जाता है और पूरा सिचुएशन मेरे ऊपर आ जाता है, पर बहुत ही आराम से आपका भाई यहाँ पे 1v2 कर देता है। अगर अच्छा लगा हो तो एक बार जरूर से वीडियो को लाइक कर देना। अब यहाँ पे अपने ऑलरेडी रिकॉर्ड तो होता है, तो हम लोग यहाँ से फटाफट अपने व्हीकल उठाते हैं और सीधा निकल जाते हैं जोन के लिए, क्यों से ये जो जगह है वो काफी ज्यादा जोन के बाहर होती है। अब ये जब प्लेन पास से दूर होती है जगह, तो यहाँ पे रिकॉर्ड लेना भी मुश्किल होता है। अब जैसे ही मैं आगे साइड जाने लगता हूँ तो यहाँ पे एक बंदे का फायर आने लगता है। अब लकीली ये बंदा जो होता है ये छत पे नहीं होता है, नीचे होता है, तो यहाँ पे मैं बंदे का साउंड सुनता हूँ और एक ग्रेनेड के यहाँ पे पिन खींचता हूँ। अब कहीं ना कहीं मेरे को पता था कि ये बंदा डैमेज होगा और ये जरूर से फॉल बैक करेगा, और असल में ये बंदा करता भी कुछ ऐसी है, ब्रोकन बॉल जंप करता है।
टीममेट को कॉल आउट दे दिया था, बंदा आगे साइड है, तब भी वो जो बंदा होता है वो टीममेट को नॉकआउट करते मेरे आंखों के सामने फिनिश कर देता है, पर उस बंदे को अपन फिनिश कर देते हैं। अब कोई दिक्कत की बात नहीं थी कि उसे टीममेट पे रिकवर होता है, ऐसी सिचुएशन आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करती। कई बंदों को मैंने देखा इवेंट में फाइट लेते हैं, 1 से 2 किल निकालते हैं और उसके बाद कहीं फिनिश हो जाते हैं तो उनका माइनस लग जाता है। तो ज़्यादातर ट्राई करा करो जिनके पास लो एंड डिवाइस है व्हीकल उठाओ और वहाँ से रिकवर उठाओ, और फिर आप लोग कहीं भी किसी भी टीम से फाइट ले सकते हो और उसके बाद आप एक बार रिकवर भी हो सकते हो। अब यहाँ पे टीममेट फिनिश हो चुका था, उस पर बेसिक सी लूट कंप्लीट नहीं होती है, तो इधर मैं नोवा में आता हूँ क्योंकि जो जोन था वो ब्रिज के इस पार का होता है, और फटाफट अपने गाड़ी में फ्यूल भराता हूँ और यहाँ सब हम लोग निकल जाते हैं नोवा वाले शॉप पे। अब जैसे ही यहाँ पे मैं आता हूँ तो स्क्वाड हाउस में ऑलरेडी व्हीकल लगी थी, और यहाँ पे मैं टीममेट को बिल्कुल भी रिस्क में नहीं डालना चाहता था। टीममेट से कहता हूँ भाई तू यहाँ पे उतर, मैं आगे चेक करके आता हूँ, कोई बंदे तो नहीं है। तभी भाई यहाँ पे बंदों का रश देखने को मिलता है। अब यहाँ पे मैं नीचे ही होल्ड करके बैठा था, क्यों से मेरे पे डीबीएस होती है, पर ये बंदे भी काफी ज्यादा चालाक होते हैं, थोड़ा सा प्री फायर करते हैं। मानो या ना मानो, जब डीबीएस जैसी आप पे गन होती है जो कॉन्फिडेंस होता है वो अलग लेवल का ही होता है। अब इन बंदों की बेटी से कुछ काम का सामान उतारते हैं और यहाँ पे हम शॉप पे भी जाते हैं और एक फ्लेयर गन भी मंगा लेते हैं, अगर बैकअप में अपन को बीआरडीएम मंगानी होगी। बाकी अपन लोग अपनी व्हीकल उठाते हैं और सीधे यहाँ से निकल जाते हैं जोन के अंदर। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कितना ज़्यादा मैं आराम से खेल रहा हूँ, कभी भी रैंक पुश के अंदर पैनिक नहीं होना है। कई बंदों को मैं देखता हूँ कि भाई दो बंदे रश कर देते हैं या फिर वो एक बंदा पीछे से कवर दे रहा है तो वो लोग पैनिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो फाइट होती है वो ऑलरेडी वहीं पर हार जाते हैं। अब वहाँ से अपन लोग निकल के आते हैं इस जगह पर, क्यों से मेरे को लग जाता जो जोन है वो इस जगह पर शिफ्ट होगा। काफ़ी देर यहाँ पर होल्ड करने के बाद जो अगला जोन होता है वो भी हमारे ऊपर बनता है, पर यहाँ पर बंदे स्पॉट करते करते मेरे को एक व्हीकल का साउंड आता है। अब एक बंदे को बहुत इजीली टेक डाउन कर देता हूँ, हाथों हाथ फिनिश करता हूँ, जो सेकंड वाला बंदा होता है उसको भी एक अच्छा खासा डैमेज करता हूँ। वो बंदा तो निकल जाता है पर कुछ देर के बाद जो जोन होता है वो भी यहाँ से हट जाता है। टीममेट से कहता हूँ भाई जैसे ही जोन होता है हमें अभी की अभी जोन पकड़ना पड़ेगा, वरना अगर कोई बंदा वहाँ पर बैठ गया तो अपन के लिए काफ़ी ज़्यादा जो दिक्कत है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे ही हम लोग जोन में जाने लगते हैं तभी यहाँ पे एक बंदा स्पॉट होता है। अब लकीली हम लोग इधर रुकते हैं कंटेनर के पीछे बचने के लिए, पर यहाँ पे एक बंदा पेड़ के पीछे काफ़ी देर से बैठा था। अब टीममेट को वो बंदा दिख चुका था, मेरे को भी दिख चुका था, हम थोड़ा सा फॉल बैक करते हैं, ये जगह इतनी ज़्यादा सेफ नहीं होती है। टीममेट से कहता भाई हमें यहाँ से निकलना होगा, तभी सामने से उस बंदे का यहाँ पे ग्रेनेड आता है। बंदे ने मेरे पे ग्रेनेड किया था, मैं सोचा था भाई इसको मारने का, पर तभी मैं नोटिस करता हूँ कि भाई वहाँ पे उस बंदे को किसी और टीम ने फिनिश कर दिया था। कुछ देर बाद मैं नोटिस करता हूँ अपन को जोन में जाना होता है, टीममेट से कहता हूँ भाई तू व्हीकल लेके जा, अगर बंदा तेरे को मारेगा तो मैं जरूर से कवर दे दूंगा। पर जो टीममेट होता है वो थोड़ा सा आगे पहुंच जाता है और मेरी एडीएस पे नहीं होता, जहाँ पे बंदा उसे बहुत ही आराम से नॉकआउट कर देता है। बचाने के लिए यहाँ पे मैं एक मॉली फेंकता हूँ, कहीं बंदा पेड़ पे आएगा तो वो ऑलरेडी डैमेज हो जाएगा, और एक दो स्मोक भी फेंकता हूँ। पर इनका मेरे को कुछ भी फायदा देखने को नहीं मिलता है। कुछ देर बाद मैं यहाँ पे आगे जाने लगता हूँ और बंदों का मेरे को साउंड आता है, तो मैं यहाँ पे एक ग्रेनेड की पिन खींचता हूँ। और देखते ही देखते एक टीम को बहुत ही आराम से फिनिश कर देता हूँ। अगर ये 1v2 अच्छा लगा तो एक बार जरूर से वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अब यहाँ पे मेरे को लगा था मेरे अलावा जस्ट एक बंदा लाइव होता है जो सामने वाले स्टोन पे होता है, पर यहाँ पे कुछ बात ऐसी होती है कि एक बंदा ऑल अलाइव रहता है, टोटल मिला के 3 बंदे लाइव होते हैं, जो यहाँ पर मैं नोटिस नहीं कर पाता हूँ, मेरा पूरा ध्यान उस सामने वाले बंदे पर होता है, और तभी देखो क्या सीन होता है मेरे साथ। यहाँ पे अपन फिनिश तो हो चुके हैं, पर जो गेम था और जो किल्स थे वो काफ़ी हमने अच्छे खासे निकाले। बाकी इस गेम में जो मेरा प्लस होता है वो होता है 32 का। मैं मिलता हूँ गाइस किसी नेक्स्ट वीडियो के संग, तब तक।